बवाना में मुनक नहर के टूटने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दिया। देर रात भी मुनक नहर के टूटे हुए हिस्से को बांधने की कोशिशें जारी रहीं। बवाना जीजी कॉलोनी में पानी पूरी तरह से सूख जाने के बाद भी लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बाधित रही। दिल्ली में बिना बारिश के ही लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बवाना में पानी उपलब्ध कराने वाली मुनक नहर टूट गई। इस कारण बवाना जेजे कॉलोनी की सड़कों, गलियों और घरों में कई कई फीट तक पानी भर गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी घुस गया। बवाना के पास मुनक नहर के टूट जाने से आसपास के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में पानी भर जाने के कारण बवाना जेजे कॉलोनी की तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। इस घटनाक्रम के बाद से ही प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दिया। प्रशासन लोगों की समस्याओं को देखते हुए नहर की मरम्मत के लिए हर संभव मदद का प्रयास करते नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर रात को भी नहर को बांधने के लिए प्रशासन के सभी प्रयास देखने को मिले। बवाना के पास जिस जगह पर नहर टूटी थी वहां पर युद्ध स्तर पर नहर को बांधने की कोशिश की गई। प्रशासन द्वारा देर रात भी नहर में मिट्टी डालकर नहर को बंद करने का काम किया गया। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद इलाके का पानी तो लगभग पूरी तरह से सूख गया, लेकिन उसके बावजूद भी देर रात तक यहां पर चलचलाती गर्मी के बीच लोग अंधेरे में रहने को मजबूर दिखाई दिए। बवाना जेजे कॉलोनी के प्रभावित इलाकों में देर रात तक बिजली की सप्लाई बाधित रही। जेजे कॉलोनी में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बिजली कटौती की गई थी, क्योंकि नहर के टूट जाने के बाद नहर का पानी बवाना जेजे कॉलोनी में भर गया था, जिससे ये बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। टोटल टीवी के लिए हर्षित की रिपोर्ट।